नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जनपद में धनतेरस के अवसर पर नागरिकों ने सोने व चांदी के आभूषणों की जमकर खरीदारी की। आपको बताते कि धनतेरस के अवसर पर सुबह से आभूषणों के प्रतिष्ठानों पर सुबह से भीड़ लगी थी। नागरिकों ने सोने व चांदी के आभूषण खरीदते हुए नजर आए, क्योंकि धनतेरस के अवसर पर सोने व चांदी का आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए डायरेक्टर सुमित सराफ ने कहा कि आज के दिन आभूषणों की खरीदारी करना काफी शुभ माना जाता है, जिसकी वजह से लोग घरों के लिए भगवान गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति खरीद रहे हैं। इसके अलावा अपने लिए आभूषण खरीद रहे हैं। हम लोग कई तरह के ऑफर भी चला रहे हैं, जिसका लाभ ग्राहक उठा सकते हैं। चेंज नहीं, इसमें डिस्काउंट इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए सोने व चांदी आभूषणों के प्रतिष्ठानों के मालिकों ने कहा। बिक्री के लिए बहुत अच्छी है, ग्राहकों में उत्साह है, सोने का रेट भी घटा हुआ है, इस वजह से ग्राहक परचेजिंग अच्छी कर रहे हैं। अच्छा माहौल है, बढ़िया माहौल है। नहीं, वो सब हलबाग सामान हम लोग बेचते हैं, टोटल 100% वापसी का सामान है और कोई दिक्कत है नहीं। कोई वापस करे, कोई टांका नहीं जाता है, पूरा पूरा दाम वापस मिलता है। अरुण सरावगी। हमारे यहाँ मतलब एंटीक ज्वेलरी और तमाम नई नई डिज़ाइनें जो हैं इसमें मंगा के रखी हुई है, और कस्टमर को काफ़ी पसंद भी आ रही है। टर्किश ज्वेलरी है और क्या क्या प्लेन टाइप में ज्वेलरी है, तमाम तरीके की ज्वेलरियां हैं। उम्मीद तो है कि अच्छी मार्केट चलनी चाहिए, चल भी रही है, आप देख ही रहे हैं। ये ग्राहक क्या अपील करना चाहेंगे, मतलब ज्वेलरी जो है हॉलमार्क वाली चेक करके ही लिया करें, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत से फ्रॉड हो रहे हैं, उल्टे सीधे ज्वेलरी लोग बेच रहे हैं, रेट उसी हिसाब से जो है लगा रहे हैं। कस्टमर को ये बात समझ में नहीं आती है, लेने के बाद उनको समझ में आता है ये बात कि हम क्या चीज़ ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। इसलिए हॉलमार्क वाली ज्वेलरी खरीदें, जहाँ से भी लें। मनीष बर्नवाल, न्यू विवेक ज्वेलर्स।